तो दोस्तों आज हम करवा रहे हैं प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। एक ने मांगे 40 शेयर, उसको दिए 30 शेयर, लमसम है तो एक्स्ट्रा पैसा कहीं एडजस्ट नहीं कर सकता। इंस्टॉलमेंट है, मान लो आपने मेरे से मांगे 150 शेयर, मेरी एप्लीकेशन 2 रुपए है, 150 शेयर पर 2 रुपए आपने मुझे कितने पैसे दिए, 300 रुपए। मैंने आपको शेयर अलॉट किए 100, तो 50 × 2 आपका कितना पैसा फालतू है, 100 रुपए। भाई आपने 150 शेयर पर पैसे दिए, मैंने आपको 100 शेयर अलॉट किए, आपका 50 शेयर का 2 रुपए एप्लीकेशन बनी, 100 रुपए मेरे पास फालतू है। मैं 100 आपको वापसी दू और अगली बोलता हूं भैया 5 रुपए की अलॉटमेंट दो, आपको 100 शेयर दिए, 100 × 5 कितनी अलॉटमेंट दोगे आप, 500। 50 तो आप पहले दे चुके हो, 100 रुपए तो पहले दे चुके हो, तो आप 100 रुपए काट के 400 दे दोगे। यानी अगर कोई आदमी एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा पैसा देता है तो वो पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है। तो प्रो राटा का जो क्रूशियल क्वेश्चन है उसमें 2 का कॉम्बिनेशन है, पहला है अमाउंट एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, दूसरा है डिफॉल्ट ऑफ अलॉटमेंट। अगर ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन है तो क्वेश्चन इज गुड, उसके वर्किंग नोट बनते हैं, प्रॉपर होते हैं। एग्जाम्पल, इशू किए 50,000 शेयर, पब्लिक ने मांगे 75, प्रो राटा किए 60 के साथ। इसी को डिटेल लेते हैं, 75,000 में से 15,000 रिजेक्ट कर दिए, इनका पैसा वापसी करेंगे, 60 को 50 दिए। यानी अगर मैं मुझसे पूछे रेशो कितनी है तो 6:5 है, जो आदमी 6 मांगता है उसे मैं 5 देता हूं, अप्लाइड आर मोर इन कंपैरिजन टू अलॉटेड। ठीक है, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट है, हाँ। ए होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल शेयर फॉरफिटेड, बी होल्डिंग 2500 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल शेयर फॉरफिटेड, बाद में शेयर इशू कर दिए कितने में, 8 में। ठीक है जी, कह रहा जर्नलाइज करो, एप्लीकेशन दो, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 3। पहले असली क्वेश्चन है ए का, ए ने एक्स्ट्रा पैसा दिया, दिया कैसे दिया मैं बताता हूं। ए ने अप्लाई कितने किए मित्रों, 6/5 × 2000, y रेशियो 6/5, अप्लाइड ज्यादा होंगे कम होंगे, तो आप ज्यादा से मल्टीप्लाई करो कम से डिवाइड करो। तो जो 6 मांगता है उसे हम 5 देते हैं, तो इसने मांगे कितने, 2400, एक्स्ट्रा शेयर्स 400, मांगता है 2400 देते हैं 2000, मांगता कितने हैं, देते कितने हैं, तो 400 शेयर्स पर 2 रुपए की एप्लीकेशन फालतू, 800 रुपए। अभी हम इसको वापसी करें और एक चिट्ठी भेजे अलॉटमेंट दो, रोक लो पैसा, दिस मनी वॉज एडजस्टेड इन, जब तेरी 800 रुपए की अलॉटमेंट पहले से आ चुकी है, लेकिन भैया ने तो डिफॉल्ट कर दिया, भैया ने तो अलॉटमेंट दी ही नहीं, तो अलॉटमेंट कितनी देनी चाहिए थी, 2000 × 5 − 800, 9200। डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल 2000 × 2 = 4000, डिफॉल्ट ऑन सेकंड कॉल 2000 × 3 = 6000। शेयर फॉरफिटेड में आता है विदाउट प्रीमियम, आया बट विदाउट प्रीमियम, 2000 शेयर्स ने 2 रुपए एप्लीकेशन दी प्लस 800 रुपए फालतू दिया। तो बेटा जो एक्स्ट्रा मनी है वो अलॉटमेंट में माइनस होता है और फॉरफिट में ऐड होता है। बात करते हैं बी की, बी का वर्किंग नोट बहुत सिंपल, क्योंकि बी का डिफॉल्ट अलॉटमेंट पर नहीं है, बी का डिफॉल्ट अलॉटमेंट पर नहीं है, बी के अलॉटेड शेयर की वन है, जी हाँ, बी का डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल 2500 × 2, डिफॉल्ट ऑन सेकंड कॉल 2500 × 3, शेयर फॉरफिट अमाउंट 2500 × आया बट विदाउट प्रीमियम, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम कितनी है, इधर 2 इधर 3 5। अब हम करते हैं जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल दी इज अ डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर बैंक डेबिट कॉल इज अ डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने पहले एंट्री लिख दी, अमाउंट लिखते हैं सर, हमारे 75,000 शेयर आए सर, 1,50,000 रुपए आया सर। सर शेयर कैपिटल में आएगा जितने शेयर इशू कर सकते थे, 50 × 2 = 1,00,000। सर रेशो का जो गैप है, ये देखो रेशो का गैप ये है, कितने रेशो का गैप है शेयर्स का, 10,000। ये अलॉटमेंट में जाएगा मित्रों, और बेटा 15,000 शेयर्स का पैसा रिजेक्ट हो गया। 5, 3, 2 ठीक है जी। अब सर 50,000 × 5 2,50,000, 1,50,000, 1,00,000। 2,50,000 में से 20 पहले आ चुका है तो आएगा कितना, 2,30। डिफॉल्ट कितने का है, 9,200, 2,20, 800। तो दोस्तों फर्स्ट कॉल कितने की है, 50,000 × 2 = 1,00,000। फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट कितना है, 5 भैया ने नहीं दिया, 4 इन भैया ने दिया, 9,000 नहीं आया, 91,000। स्पेस बना लेते हैं, बाकी एंट्रीज यहां कर देते हैं। सेकंड कॉल है 3 रुपए की, 50,000 × 3 = 1,50,000। सेकंड कॉल पर 7,500 × 6 = 13,500। अब हम शेयर फोरफिट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर 4,500। प्रीमियम उस आदमी का जिसने प्रीमियम वाली कॉल ली थी, 2,000। शेयर फोरफिटेड में कितना आएगा, 12,500 × 4,800, 17,300। बाकी बैलेंसिंग भी है, बाकी वैसे बता दूं कौन सा अमाउंट है, 9,200 प्लस 9,000 प्लस 13,500, मुझे यहां तक याद है 31,700। बाद में इन शेयर्स को रीइशू कर दिया कितने में, 8 पे। (36,945 × 8 × 2 × 10) दिस डिवाइड माइनस दिस कितना हो गया, 8,300। 1991 आपके पैदा होने से पता नहीं कितने साल पहले सेम क्वेश्चन मेरी 12th क्लास में भी था। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन प्रोराटा का, इशू किए 20,000, पब्लिक ने मांगे 30,000, प्रोराटा किया 24,000 के साथ, 2, 5, 2, 3। ए होल्डिंग 40 डिड नॉट पे अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल, ध्यान से फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर दिए, सेकंड कॉल नहीं मंगवाई। बी अप्लाइड 72 शेयर, अप्लाइड गिवन है, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, आउट ऑफ दीज 80 शेयर वी शुड एट 9 वर्किंग नोट। सबसे पहले निकालते हैं रेशो, 30,000 में से 6,000 रिजेक्ट किए, 24 को दिए 20, 6 is to 5, 4 6 are 24, 4 5 are 20। ए
अप्लाइड एने मांगे तो ज्यादा ही होंगे ना, तो रेशो क्या लगेगी 6/5 मांगे कितने 48 दिए कितने एक्स्ट्रा मनी 8 × 16 डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट कितना 40 × 5 − 16 कितना हो गया मित्रों 184 डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल 40 × 2 = 80 शेयर फॉरफिटेड अमाउंट 40 × 2 + extra money = 16 96 बी में निकालने अलॉटेड क्योंकि अप्लाइड लेवर है तो रेशो उल्टी लग जाएगी अलॉट कितने की है 60 हर क्वेश्चन अलॉट से स्टार्ट होता है डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट ऑन सेकंड कॉल शेयर फॉरफिटेड 60 × 2 = 60 × 3 विदाउट प्रीमियम एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हमारी पहली एंट्री सर नंबर ऑफ शेयर हुए 24,000 × 2 = 48,000 लाइबिलिटी मानेंगे दोस्तों 20,000 शेयर्स की प्रोराटा जो गैप है इधर और रिजेक्ट इधर 40 8 12 5 3 2 ये हो गया हमारा 20,000 × 5 160,000 40,000 100,000 में से 8 पहले आ चुका है तो कितना हो गया 92,000 अलॉटमेंट टू डिफॉल्ट कितना है 184 91816 फर्स्ट कॉल मंगाई 2 रुपए की 20,000 × 2 = 40,000 80 रुपए भैया ने दिए 120 तीन भैया ने दिए टोटल 200 नहीं आया 39,800 40,000 अब हम मंगवाते हैं सेकंड कॉल यही सोच हमारी गलत है क्योंकि पहले वाले की शेयर फोरफिट हो गए हैं फर्स्ट कॉल के बाद पहले फोरफिट करो नंबर ऑफ शेयर 40 आखिरी कॉल कितने की है मित्रों 3 रुपए की नहीं मंगवाई तो मंगवाया कितना 7 × 4 = 280 प्रीमियम कितना है 2 रुपए नहीं आया 80 वर्किंग नोट कितना बनाया देखना फॉरफिटेड में कितना है 96 डिफॉल्ट में कितना है 184 और 80 कितना हो गया 264 क्या देखो चेक करो आ रहा है 360 अब हम सेकंड कॉल मंगवाएंगे दोस्तों क्या मंगवाएंगे सेकंड कॉल है 3 रुपए की सर टोटल नंबर ऑफ शेयर है 20,000 40 शेयर से पैसा नहीं मंगवाएंगे क्योंकि इनको हमने हटा दिया इस कंपनी से हटा दिया तो बचे 19960 इनसे मंगाएंगे 59880 जिन शेयर्स को फोरफिट कर दिया क्या वो आपको सेकंड कॉल देंगे गाली देंगे सुन नहीं पाओगे कौन सी वाली आपने उनको लात मार के बाहर निकाल दिया उनके पैसे मार लिए अब आप उनसे अगली कॉल मंगा रहे हो होते तो पहले ना दे देते वो तो ध्यान रखना सेकंड कॉल बिना उसके आएगी और अगर आपको गाली कौन सी वाली दी है पर्सनली पूछनी हो तो मुझे कॉल करके पूछ लेना बच्चों रिकॉर्डिंग में बताना थोड़ा सा मुश्किल है तो कितना नहीं आया मित्रों 180 59880 − 180 = 59700 सेकंड वाले भैया के शेयर फॉरफिट कर दो इन भैया ने प्रीमियम वाली कॉल दी है तो प्रीमियम का नामो निशान नहीं आएगा इन भैया के शेयर है 60 × 10 = 600 वर्किंग नोट बनाया है 300 और 300
अभी इशू कितने में किए शेयर्स? एट्टी शेयर्स 9 रुपीज में इशू किए, 720 80 800। सबसे मजेदार कैलकुलेशन गौर से देखिए मित्रों, हमारी एंट्री आई है शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो दोस्तों 5 मिनट जरा गौर देखिए, पहले वाले का नाम ए, दूसरे वाले का नाम बी, शेयर्स कितने पहले वाले के पास 40, दूसरे वाले के पास 60, शेयर फोरफिट अमाउंट कितना है भैया का 96, भैया का 300, टोटल शेयर कितने भी इशू किए 80, इसमें ए भैया के पूरे, बी भैया के कितने 40, इसका पूरा ले लिया 96, 300 रुपए 60 पर है, 40 पर कितना होगा 200, ये हो गया 296 भाई, 300 60 पर है, 40 पर हो गया 200, 296 में से ये लॉस ऑन इशू 80 माइनस करो सर 216, 80 कौन से माइनस हुए? तो दोस्तों अब हम करें फिर सर, सबसे पहले रेशो निकालते हैं फर्स्ट कैटेगरी की 4:3, ए होल्डिंग 600 शेयर फर्स्ट कैटेगरी में, सर अप्लाइड कितने होंगे पहले ये निकालो सर, 4/3 × 600 = 800, डन भाई साहब, मांगे 800 दिए कितने 600, एक्स्ट्रा मनी 200 × 3 = 600, डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट, ये आदमी 600 शेयर पर 5 रुपए माइनस 600 2400, डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल 600 × 3 = 1800, शेयर फोरफिटेड में हमेशा वो पैसा आता है जो विदाउट प्रीमियम हो, 600 शेयर्स में विदाउट प्रीमियम कितना दिया 2 रुपए एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा मनी पूरा 1800। सेकंड कैटेगरी की रेशो कितनी है 4:3, सेकंड कैटेगरी में अप्लाई किया 400, अलॉट कैसे निकालेंगे 3/4 × 400, ये कितना आ गया 300, डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल शेयर फोरफिटेड 300 × 3 × 300 × 2, शेयर फोरफिटेड में आएगा एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम 5, मैं इसमें आपको फोरफीचर की एंट्री करवा रहा हूं जरा गौर से देखना, पहले वाला फोरफिट करेंगे सर, सर पहले वाले के शेयर्स हैं 2 रुपए की कॉल नहीं मंगवाई उससे पहले फोरफिट किया, तो ऑर्डर मनी कितना है 8, प्रीमियम कितना नहीं दिया, एप्लीकेशन वाला नहीं दिया, अलॉटमेंट वाला नहीं दिया, अलॉटमेंट वाला फोरफिटेड में कितना जाएगा 1800, 2400 × 1800 = 4200। अब मैं दूसरे वाले को करता हूं सर, दोनों अलग अलग टाइम पर फोरफिट हो रहे हैं, 300 शेयर में 10 रुपए, ये कितना हो गया 1500 शेयर फोरफिटेड में और 1500 कॉल्स इन एरियर में, रीशू कितने किए शेयर, कितने शेयर रीशू किए बच्चों 609 पर, बाद वाले के सारे किए इस बार 600 में से इसके पूरे कर दिए और इसके कितने किए थे 300, इसका पूरा ले लो 1500, इसका ले लो आधा अमाउंट कितना 900, ये हो गया 2400, सब प्रोपोर्शनल करना आता है ना, 2400 में से 600 गए 1800,
दोस्तों आखिरी क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो थोड़ी सी डिफरेंट है सर, जरा ध्यान से सुनना। सर कैटेगरी है 1.5 लाख को 1 लाख दिए 3:2, 10 रुपए का शेयर, 15 रुपए प्रीमियम, 25 रुपए में इशू किया, एप्लीकेशन 5+7.5 प्रीमियम, 5+7.5 प्रीमियम, बी होल्डिंग 100 शेयर, 150 रुपए अलॉटमेंट। अप्लाइड निकालते हैं सर, 100 × 3/2 150, एक्स्ट्रा मनी 50 × 12.5 625। नॉर्मल क्वेश्चन। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, हमें हर बार एक चेकिंग लगानी है। कब लगानी है? जब अलॉटमेंट पर प्रीमियम हो। सर आपने जितने क्वेश्चन कराए हैं प्रोराटा के, हर एक में अलॉटमेंट में प्रीमियम था, आपने तब क्यों नहीं लगाई? मुझे पता था उसमें वो यूज नहीं है। सर हमें कैसे पता लगेगा? आपको हर एक में लगानी होगी। जब भी अलॉटमेंट पर प्रीमियम हो, एक डब्बा बना रहा हूँ, आपको हर बार बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। चाहे 100 में से किसी एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, आपको क्या पता वो 100 आ रहा है या दूसरा आ रहा है। ध्यान से सर, विदाउट प्रीमियम, प्रीमियम इस आदमी ने अलॉटमेंट दे दी है 100 × 5, 500 विदाउट प्रीमियम, और 100 × 7.5, 7.5, 750 प्रीमियम। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, अभी तक टीएस गरवालू ने ऐसा एक ही क्वेश्चन है सर, एक इलस्ट्रेशन में और एक आंसर, ये वाला पैसा हमेशा इससे ज्यादा होता था। ये पैसा जो एक्स्ट्रा मनी है, सबसे पहले एडजस्ट होता है विदाउट प्रीमियम में, बाद में एडजस्ट होता है प्रीमियम में। अगर मान लो ये होता है 400, तो सारा का एडजस्ट हो जाता। इसी में पहली बार ऐसा है कि विदाउट प्रीमियम ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है, अदरवाइज हमेशा ये वाला अमाउंट क्या होता था, इसलिए पंगा पड़ता ही था। चेक करके देख लेना सर, तो इसमें कितना एडजस्ट हुआ 500, इसमें कितना एडजस्ट हुआ। एक्स्ट्रा मनी पहले विदाउट प्रीमियम में एडजस्ट होगा, बाद में प्रीमियम में एडजस्ट होगा। लो सर, डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट अलॉटमेंट 100 × 12.5 − 625, 625 शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड में कौन सा पैसा आता है बोलिए वैभव इस्तेमाल भारती सर, जो विदाउट प्रीमियम 100 शेयर से विदाउट प्रीमियम एप्लीकेशन कितनी दी है 5। एक्स्ट्रा मनी पहली बार बोल रहा हूं विदाउट प्रीमियम कितना है, विदाउट प्रीमियम में कितना एडजस्ट हुआ एक्स्ट्रा मनी में से 625 मत ले लेना। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे एक्स्ट्रा मनी पूरा पूरा ऐड कर रहे थे, मुझे पता था वहां दिक्कत नहीं आ रही। आपको हर बार ये चेकिंग लगानी पड़ेगी सर। अब सर एंट्री ले लो, कोई ज्यादा एंट्रियां नहीं है सर। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1.5 × 12.5, जहां तक मुझे लगता है 18,70,000। एक बार मैं फिर भी कैलकुलेट कर लेता हूं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट 5 1 lakh × 5, 5 lakh 1 lakh × 7.5, 7.5 lakh ₹50,000 × 12.5, 6.25 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 12.5 lakh, 5 lakh, 7.5 lakh बैंक डेबिट कोऑर्डिनेटेड डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 12.5 लाख में से 6.25 आ चुके, तो कितना आएगा 6,25,000। डिफॉल्ट कितना है 625, 6,24,375। सबसे खूबसूरत एंट्री फोरफिट की है सर, गौर से देखना मित्रों, शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स है मित्रों 100, विदाउट प्रीमियम मंगवाया 10,
हजार सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने अमाउंट से डेबिट होगा बताइए सर। उसने जो पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट कितना नहीं दिया, 7.5, उसमें से 125 आ भी चुका है। ये 125 का बड़ा जबरदस्त लोचा है, 750 में से 125 आ चुका है, तो डेबिट कितने से करूंगा, 625 से। शेयर फॉरफिटेड कौन सी एरियर, ये मैंने वर्किंग मोड बना दिया है, शेयर फॉरफिट 1000, अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट 625। तो सर ये लास्ट पॉइंट था प्रोराटा का, होप आपको वीडियो पसंद आए, तो कमेंट और बेल आइकन दबा दीजिए।